विशेष धम्म देशना आज दिनांक 14 जून 2020 हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से ये ओरिजिनल दीर्घ निकाय पाली ग्रंथ से जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल बुद्ध वाणी संग्रहित है वहां से हम सूत्र ले रहे हैं। आज हम दीर्घ निकाय का महानिदान सूत्र इस पर हम चर्चा करेंगे। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा सद्धम्म सवनं। एक समय तथागत भगवान बुद्ध कुरु देश में कुरुओं का गांव कम्मास धम्म इस नगर में वो विहार कर रहे थे। तब आनंद भी उनके साथ थे। आनंद ने तथागत भगवान बुद्ध को कहा, भगवान ये कितना आश्चर्य है, कितना अच्छा है कि आपने जो प्रत्युत समुत्पाद जो है उसे जो आपने समझाया है वो बहुत सरल, बड़ा आसान और बेसिक है। ऐसा आनंद बुद्ध को कहते हैं। तब बुद्ध ने कहा, आनंद ऐसा ना कहो, ये प्रत्युत समुत्पाद बड़ा गंभीर है, बड़े उलझनों में जो लोग जीते हैं इसी के कारण कि उन्हें ये ठीक से संसार का वास्तविक स्वभाव, शरीर का, चित्त का वास्तविक स्वभाव ठीक से समझ में न आने के कारण संसार में बहुत से लोग भटकते रहते हैं, दुख में जीते हैं। तो ये बड़ा गंभीर है, ये बड़ा गंभीर है। ऐसा तथागत बुद्ध इस पटिच समुत्पात के बारे में आनंद को समझाते हैं। यह जरा है, जरा यानी बुढ़ापा, जरा यानी व्याधि, ये व्याधि है, फिर बुढ़ापा है और मृत्यु है। ऐसा कहने से किसी कारणों से बुढ़ापा और मृत्यु ये तो निसर्ग का स्वभाव है, ये तो आने ही वाली है, आते ही रहती है, ऐसा उसे देखना चाहिए, उसे ऐसा समझना चाहिए। ओरिजिनल ग्रंथ में जैसे लिखा है कि बुद्ध कहते हैं, जाति पच्चया जरा, जन्म है तो बुढ़ापा है, मृत्यु है, इस प्रकार से ये होते रहता है। लेकिन उसका जो प्रश्न इस प्रकार करना चाहिए, आनंद को बुद्ध बताते हैं, किंग पच्चया उपादानं, किंग पच्चया जाति, किंग पच्चया जरा, इस प्रकार किंग पच्चया जरा मरणन्ति इति चे बदेय जाति पच्चया जरा मरन्ति। जहां जाति है, जन्म है, तो वहां जरा मरण है। किंग पच्चया जाति थी इति चे वदेय भव पच्चया जाति थी, जहां भव है, जन्म है, तो मृत्यु आने ही वाली है। किंग पच्चया भवोति, ये भव
जन्म ही किस कारण से है, उपादान पच्चया भवोती, यानी जहां उपादान है आसक्ति है वहां पर भव होता है। किंग पच्चया उपादानति, तन्हा पच्चया उपादान, तृष्णा के कारण ये उपादान यानी आसक्ति निर्माण होती है। किंग पच्चया तन्हाति, कि तृष्णा भी क्यों निर्माण होती है। वेदना पच्चया तन्हा, वेदना के कारण तृष्णा निर्माण होती है। इच्छस वचनीय, किंग पच्चया वेदनाति, ये वेदना भी किस कारण से निर्माण होती है। फस्स पच्चया वेदनाति, इच्छस वचनीय, स्पर्श के कारण, इंद्रियों का स्पर्श भिन्न भिन्न विषयों के साथ होता है और वेदना निर्माण होती है। किंग पच्चया फस्सो, ये फस्स स्पर्श, फस्स यानी स्पर्श कॉन्टैक्ट, वो कौन से कारणों से होता है। नाम रूप पच्चया फस्सोती, नाम और रूप, शरीर और मन, ये दोनों के इकट्ठे आने से ये स्पर्श होते रहता है। इति किंग पच्चया नाम रूपंति, और ये नाम रूप भी किस कारण से है। विज्ञान पच्चया नाम रूपंति, इचस वदनीय, इस प्रकार तथागत बुद्ध एक एक कड़ी को, ये प्रत्यय समुत्पाद के एक एक कड़ी को बताते हैं। और फिर बुद्ध ने और बताया, इति खो आनंद नाम रूप पच्चया विज्ञानं, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्ना, तन्ना पच्चया उपादानं, उपादान पच्चया भवो, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणं, शोक परिदेव दुख, दो मनसु पायासा संभवन्ति, एवमेतस्य केवलस्य दुख खंदस्य समुदयो होतीति। यानी दुख का समुदय क्या, कैसे दुख निर्माण होता है, उसको तथागत बुद्ध ने बहुत सूक्ष्म प्रकार से बताने का मतलब बताया है। और ये जो पटिच समुत्पाद, यानी प्रत्यय, कुछ न कुछ प्रत्यय के कारण, कुछ न कुछ कारणों से ही कुछ निर्माण होता है, ये सिद्धांत तथागत बुद्ध ने बताया है। फिर बुद्ध बताते हैं, बुद्ध ने बताया, आत्मा को मानने वाले चार प्रकार से कहते हैं। एक है आत्मा रूपवान है और सूक्ष्म है, दूसरे में कहते हैं आत्मा रूपवान है और अनंत है, फिर तीसरे में कहते हैं कि आत्मा रूप रहित है और सूक्ष्म है, फिर चौथे में कि आत्मा रूप रहित है और अनंत है। तो आत्मा को नहीं मानने वाले इसे नकारते हैं। उसी प्रकार आत्मदर्शी आत्मा को तीन प्रकार से जानते हैं। वेदना मेरी आत्मा है, ऐसा एक वो कहते हैं कि वेदना मेरी आत्मा है। नंबर दो, वेदना मेरी आत्मा नहीं है, प्रतिसंवेदना भी मेरी आत्मा नहीं है। फिर नंबर तीन, न वेदना मेरी आत्मा है न प्रतिसंवेदन मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा वेदना धर्म वाली है, ऐसा तीसरे में माना जाता है। ये तीनों प्रकार की जो मान्यताएं है वो ठीक नहीं है, तथागत बुद्ध ने उन्हें नकारा है, उन्हें ठीक नहीं समझा है, उन्हें नकारा है। और फिर बुद्ध ने
उस पर डिटेल और समझा के बताया कि आनंद को समझाते हैं तत्रानंद योसु एव मह वेदना में अत्याति सो एव मस वचनियो तिस्सो को इमा आयुसो वेदना सुखा वेदना दुखा वेदना अदुखम सुखा वेदना इमा संखो त्वं तिस्सन्नं वेदनानं कतमं अत्ततो समनुपस्सतीति यस्मिं आनंद समये सुखं वेदनं होति वेदनं वेदेति नेव तस्मिं समये दुखं वेदनं वेदेति न अदुखम सुखं वेदनं वेदेति सुखमयं तस्मिं समयं वेदनं होति यस्मिं आनंद समये दुखं वेदनं वेदेति नेव तस्मिं समये सुखं वेदनं वेदेति न अदुखम सुखं वेदनं वेदेति दुखं एव तस्मिं समये वेदं वेदेति यानी वेदना के बारे में तथागत बुद्ध समझाते हैं कि जब शरीर में सुखद वेदना होती है तो सुखद वेदना के समय दुखद वेदना नहीं होती, असुखद अदुखद नहीं होती, केवल एक ही होती है। उसी प्रकार जब शरीर में दुखद वेदना होती है तो दुखद वेदना के समय शरीर में सुखद वेदना नहीं होती, अदुखद 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 और असुखद भी नहीं होती। इसी प्रकार जब शरीर में असुखद अदुखद वेदना होती है तो उस समय शरीर में सुखद वेदना नहीं होती, दुखद वेदना भी नहीं होती। तो जो भी वेदना होती है, वेदना तीन प्रकार की मूल रूप से शारीरिक वेदना, तो तीन प्रकार की वेदना पूरी तरह अलग अलग होती है और ये वेदना भी अनित्य है, ये बदलते रहती है, परिवर्तन रहती है। यदि सुखद वेदना के समय दुखद वेदना नहीं है, असुखद भी अधुखद भी नहीं है, और जब सुखद वेदना हो रही और सुखद वेदना यदि बदल गई, नष्ट हो गई, तो हम कहेंगे कि आत्मा नष्ट हो गया, क्योंकि वेदना नष्ट होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि दुखद वेदना है तो उस समय सुखद वेदना नहीं है, असुखद अदुखद वेदना नहीं है, और वेदना यदि दुखद नष्ट हो जाती है, क्योंकि बदलती है, नष्ट होती है, तो फिर यदि हम दुखद वेदना को आत्मा माने तो नष्ट हो गई तो आत्मा ही नष्ट हो गया, ऐसा हो जाता है। सुखद वेदना को आत्मा माने तो जब जब तो सुखद वेदना है और जब सुखद वेदना नष्ट हो गई तो आत्मा भी नष्ट हो गया, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए तथागत बुद्ध इन्हें उस ढंग से नहीं समझाते, उन्हें सुखापि वेदना आनंद अनिच्चा संखाता पटिच्च समुपन्ना खय धम्मा वय धम्मा विराग धम्मा निरोध धम्मा। जो सुखद वेदना होती है शरीर में वो भी अनित्य है, नष्ट होने वाली है, वो विराग उसका होने वाला है, उसका निरोध होने वाला है, ऐसे वो स्वभाव की है। उसी प्रकार दुखापि को आनंद वेदना, दुखा वेदना भी उसी प्रकार के स्वभाव वाली है, और इसीलिए उसे उसी ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए। और यह समझना ये आध्यात्मिक रूप में भीतर से जानना, समझना ये बड़ा महत्व का होता है। जब तथागत बुद्ध ने यह पटिच्च समुत्पादवाद बताया कि जो दुख की शुरुआत होती है, तो दुख की शुरुआत वो होती है अविद्या, इस चक्र जो शुरू होता है अविद्या से, यानी अज्ञान। अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया विज्ञानं, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया सड़ायतनं, सड़ायतन पच्चया फसो, फसो पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्ना, तन्ना पच्चया उपादानं, उपादान पच्चया भवो,
भवो पच्चया जाति, जाति पच्चया, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख, दो मनसु पायासा संभवंती। जाति के बाद भव होता है, भव के बाद दुख, दो मनसु पायासा। तो इस प्रकार का दुख चक्र जो शुरू होता है, लेकिन यह सारी भीतर की, अंदर की वास्तविकता, भीतर की संवेदना है, भीतर की वास्तविकता है, इसको नहीं जानना, इसे तथागत बुद्ध ने अज्ञान कहा, आध्यात्मिक अज्ञान, दुख मुक्ति के मार्ग का अज्ञान। नहीं तो ज्ञान तो कई प्रकार का होता है, जैसे एक कंप्यूटर को बनाना ये भी एक ज्ञान है, मकान को बनाना ये भी एक ज्ञान है, हवाई जहाज को बनाना ये भी एक ज्ञान है, इंजीनियरिंग की टेक्निक ये भी एक ज्ञान है। तो ये ज्ञान तो है ही, उस ज्ञान का अपना महत्व है, उसका भी बड़ा महत्व है, लेकिन तथागत बुद्ध जिस अज्ञान की बात करते हैं कि अपने ही शरीर के वास्तविकता को न जानना कि वेदना शरीर में कैसे निर्माण होती है, संवेदना कैसे निर्माण होती है। इस प्रकार से ये जो 12 कड़ियां है वो उसका दर्शन न होना, इसे तथागत बुद्ध ने अज्ञान कहा, और उसका दर्शन हो जाना, उसकी अनुभूति हो जाना, उसको बुद्ध कहते हैं कि वो आदमी आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान के प्रकाश में आ गया, उसका कल्याणी होगा, मंगली होगा, क्योंकि उसने अपने जीवन से संबंधित इस ज्ञान को समझ लिया, जान लिया। फिर तथागत बुद्ध इसी सूत्र में समझाते हैं, सत्त विज्ञान ठिति, सात प्रकार की विज्ञान की अवस्था होती है, विज्ञान यानी कॉन्शसनेस, चित्त, ये चित्त की सात प्रकार की अवस्था तथागत बुद्ध ने बताई। तो कौन से सात, इस सूत्र में बताया, सत्त को आनंद विज्ञान ठितियो द्वे आयतनानी कतमा सत्त, संतानंद सत्ता नानत्त काया नानत्त संयिनो से यथापि मनुष्य एक स देवा, यानी इस संसार में कि नाना प्रकार की काया वाले, अलग अलग प्रकार की काया, अलग अलग प्रकार का शरीर और अलग अलग प्रकार के चित्त वाले, विचार वाले भी लोग इस संसार में होते हैं, जैसे कि मनुष्य, मनुष्य का शरीर अलग अलग भिन्न भिन्न होता है, हर एक आदमी का शरीर और विचार भी हर एक आदमी का भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार से एक प्रकार की विज्ञान की अवस्था है। अयं पठमा विज्ञान ठिति, इसको प्रथम विज्ञान की अवस्था कहते हैं। फिर सत्तानंद सत्ता नानत्त काया एकत्त संयिनो से यथापि देवा ब्रह्म कायिका पठमा भी निब्बिता, यानी ऐसे भी सत्व है कि जिनके नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की काया है और सत, लेकिन उनका जो चित्त है एकत्र संयनो, उनकी संज्ञा एक जैसी होती है, काया अलग अलग होती है लेकिन संज्ञा एक जैसी होती है, ऐसे भी सत्व है, जैसे ब्रह्म काय का उन्होंने उनका उदाहरण दिया। सत्तानंद सत्ता एकत्र काया नानत संयनो से यथापि देवा आभस्सरा, बुद्ध कहते हैं कि एक ही प्रकार की काया लेकिन नाना प्रकार की संज्ञा रखने वाले आभस्सरा देवता लोक में जीव सत्सत्व होते, देवता होते हैं, उसको तीसरी विज्ञान स्थिति कहते हैं। फिर सत्ता एकत्र काया एकत्र संयो से यथापि देवा शुभ किन्ना, एक ही प्रकार की काया और एक ही प्रकार की संज्ञा, ऐसे शुभ किन्न देवताओं का अस्तित्व होता है, इसे कहते हैं चतुर्थ विज्ञान ठिति। फिर सत्ता सबसो रूप संज्ञान समति कम्मा पटिघ संज्ञान अथंगमा नानत्त संज्ञान अमनसिकारा अनंतो आकाशोति आकाशानंचा ये तनुपगा, यानी
आकाश में वास्तव्य करने वाले जीव सत्व की जो सभी प्रकार के संज्ञा से और रूप संज्ञा इसी प्रकार पटिगत संज्ञा इनसे मुक्त होकर वो आकाश आनंद चायतन आकाश में ही उनका अस्तित्व होता है, इस प्रकार के भी विज्ञान की यानी कॉन्शसनेस की ऐसी अवस्था होती है। इसे कहते हैं पांचवी विज्ञान स्थिति। सत्ता सबसो आकाशानं चायतन समति कमं अनंतं विज्ञानन्ति विज्ञानं चायतन उपगा अयं छट्टी। यानी आकाश से भी वो बाहर निकलकर केवल विज्ञान कॉन्शसनेस वही उसका अस्तित्व होता है, और ऐसे अस्तित्व वाली भी विज्ञान होता है, कॉन्शसनेस होता है, सत्व होते हैं। तो ये छह प्रकार की विज्ञान की अवस्था तथागत बुद्ध समझाते हैं। और फिर सत्ता सबसो विज्ञानं चायतन समति कम नत्थि किंची आकिंचन्या यतनुपगा अयं सत्तमी विज्ञान ठिति। और जो सातवीं विज्ञान की विज्ञान की कॉन्शसनेस की जो सातवीं अवस्था होती है वो केवल विज्ञान ही विज्ञान यानी कॉन्शसनेस उसका यूनिट उसी प्रकार की ये अवस्था होती है, ऐसा तथागत बुद्ध ने आनंद को समझाया। ये तो बहुत गंभीर और उस अवस्था का साक्षात्कार करना केवल बौद्धिक विलाप से ये नहीं, उस अवस्था का साक्षात्कार करने के लिए तथागत बुद्ध ने जो रास्ता बताया आर्य अष्टांगिक मार्ग का रास्ता, प्रत्युत समुत्पाद का रास्ता, चार आर्य सत्वों का रास्ता, कि जिस रास्ते से चलकर भिक्षु या कोई साधक या कोई संशोधक उस रास्ते से जाकर इनका प्रत्यक्ष वो अनुभव लेता है, और वो अनुभव लेकर वो अपने जीवन को मुक्ति के निर्वाण के वास्तविकता का जीवन में वो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार करता है। आसवा अनंत खया अनासवं चेतो विमुक्तिं पंया विमुक्तिं दिठे वधमे स्वयं अभिया सच्चिकत्वा उपसंपज्ज विहरति अयं उच्चतानंद उभतो भाग विमुक्तो उभतो भाग विमुक्ति उत्तरी तराच पनित तराच। तो इस प्रकार ऐसे विज्ञान स्थिति का साक्षात्कार करके वो पूरी तरह विमुक्त हो जाता है, और निर्वाण अवस्था में उसका वो अनुभव करता है, जीता है सारे बंधनों से, विकारों से, राग से, कामराग, भवराग, इस प्रकार के सभी विकारों से चित्त नितांत निर्मल होकर अनंत सुख शांति की अनुभूति करता है। इस पर ही ये दीर्घ निकाय का जो सूत्र विशेष रूप से तथागत बुद्ध ने समझाया है, सूत्र बहुत बड़ा है लेकिन उसकी मेन बातें हमने समझाने का प्रयास किया कि ये जो सूत्र दीर्घ निकाय का बड़ा ही आध्यात्मिक और बड़ा गंभीर स्वरूप का है, लेकिन तथागत बुद्ध ने आनंद को समझाया और सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ये तो एक आध्यात्मिक ऊंचाई किस प्रकार इस शरीर और जीवन से संबंधित इसी रास्ते से आगे जाकर बढ़कर क्योंकि हमारा जो चित्त है, मन है, इन सारे विज्ञान स्थितियों से संबंधित है, कनेक्टेड है, और उसको आगे चलते 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 उस अवस्था का साक्षात्कार यही चित्त यही आदमी का मन कर सकता है, जा सकता है उस रास्ते पर, वो रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया। लेकिन वो केवल बुद्धि विलास से नहीं होगा, उसके लिए अभ्यास है, डेवलपमेंट है, और उसके लिए वो गुरु से ही इस मार्ग को लेना भी पड़ता है,
और विपश्यना आनापान सती विपश्यना का मार्ग ये उस अवस्था तक पहुंचाने में बड़ा सहायक होता है। हम सब इस ओरिजिनल तथागत बुद्ध की बुद्धवाणी को दीर्घ निकाय से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले और मंगलमय आपकी जीवन यात्रा पार पड़े। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।